सो मीटर की दूरी पे एक आंटी जी खड़ी है लेकिन मुझे वो नहीं दिख पा रही पास में मेरे न्यूज़पेपर को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ऐसे करके देख पास होती है जो भी लाइटर हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो क्लियरली क्या चल जाती है सीधी चली जाती है तो ऑब्जेक्ट तो थोड़ा हाइट पे है ना काफी दूरी पे है इन्फिनिटी तो से जब उसकी सेकंड लाइट यानी बर्थडे कैप देखी बर्थडे कैप कैसी होती है ऊपर की तरफ पे पॉइंटेड होती है नीचे की तरफ से फैली होती है होती है जैसे किसी ने पकड़ा खींचा उसको फाड़ दूंगा इसको हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अराइज टैलेंट जादुई दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है जादुई दुनिया मतलब जादू नहीं जादू रिलेटेड टू साइंस यानी मैजिक रिलेटेड विद साइंस साइंस अब science से ही तो सब कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल साइंस से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक समझा है और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना भी है ठीक है ये बात तो आपको समझ में आ गई अब अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी चीज को देखने के लिए आपको पता है सिंपल किसकी जरूरत पड़ रही है लाइट की जरूरत पड़ रही है लेकिन उस चीज को साफ देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है कभी यह सोचा

क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पहला सवाल तो यही बन जाता है बताओ इसका जवाब पहला सवाल तो यही बन जाता है कि क्या आपको दूर मतलब ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मतलब मान लो मैं यही बैठा अच्छा इतना बताता हूँ दूर मतलब कैसे मैं यहाँ, अपने स्टूडियो में हूं। मुझसे जस्ट दो रूम आगे एक कोई पर्टिकुलर मेरा दोस्त खड़ा हुआ मुझे उसका फेस ही नहीं दिख रहा मुझे बस दिख रहा है कि वहां पे कोई खड़ा है तो क्या ये सही है क्या ये प्रॉपर चीज है ये प्रॉपर होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये बात अगर मैं सोचूंगा या ये बात मैं अपने दिमाग में डालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इस पॉइंट पे लाइट का प्रोजेक्शन गलत हो रहा है तो जब लाइट का प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे गलत 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 हो रहा है है मतलब मतलब लाइट लाइट तरीके तरीके से लाइट गलत तरीके से जा जा रही रही इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है तो उसी फॉल्ट को सही करने के लिए दो चीजें लाई गई थी वो था कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस और इसी पे हमने कल कुछ बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट भी देखे थे देखा था आपने कैसे कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में कैसे लाइट रेस

पता है पहले पहलेस मतलब अभी भी वो चल रहे हैं सनी नहीं चले लेकिन पहले लेंसेस कैसे थे ग्लास फॉर्म में अभी लेंसेस कैसे आ गए जैसे हमारी आई ये हमारी आईबॉल है इस पे ये आपको दिख रहा है ब्लैक डॉट ये ब्लैक डॉट एक्चुअली में क्या है आप जानते हो इस पर्टिकुलर के लिए भी लेंस लगाए जाते हैं ये भी एक टाइप का लेंस है और ये तो नेचुरल लेंस है हमने आर्टिफिशियल बना दिया हमने आर्टिफिशियल लेंस बनाया और उसको हम इस आईबॉल के ऊपर लगाते हैं

Lens है और कॉन्वेक्स लेंस है कहां पे इमेजेस फॉर्म होंगी कॉन्केव लेंस को रखने पे और कॉन्वेक्स लेंस को रखने पे कैसे उनका प्रिंसिपल फोकस रहता है आपको पता है दोनों साइड पे दोनों कहानी रहेगी याद आया मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर 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 भी इदर भी इदर भी प्रिंसिपल फोकस आया था कि नहीं आया था तो इसी इसी इस पर्टिकुलर लेक्चर में में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के लेंसेज यहाँ पे तो हम कॉन्केव की बात करेंगे नेक्स्ट वाले हम कॉन्वेक्स में भी आ सकते हैं और दोनों टाइप के लेंसेज में किस तरह से रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे उसके रूल्स आए कैसे उसको ट्रेस किया गया उसके प्रोजेक्शन को समझा गया वो सारी बातें यहाँ पे आपके सामने आएंगी तो चलो आज का लेक्चर यहीं से करते हैं हम स्टार्ट ओके सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी हमारे रूल्स की रूल्स किस में लगाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में लगाएंगे जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में क्या लगाऊंगा हमारे रूल्स लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस में देखो पहला रूल आपको पता है पहले रूल में क्या रहता है एक हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही है पैरेलल जाके कहा जाएगी सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो जाएगी ये फर्स्ट रूल कहता है जब मैं फर्स्ट रूल से निकलता हूँ सेकंड पे आता हूँ तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है जो भी लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो क्लियरली क्या चली जाती सीधी चली जाती है वैसे हमारा थर्ड रूल क्या कहता है हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि भैया जब आप

फॉर्म कर देता हूं अब कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है ये हमारा सेंटर पॉइंट रहता है इसका इसका और इसका रहता है कि नहीं रहता बिल्कुल रहता है तीनों पॉइंट पे क्या आते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सेस आते हैं बिल्कुल आते हैं तीनों पॉइंट पे हमारे प्रिंसिपल एक्सेस आते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ये यह यहाँ पे और ये यह यहाँ पे तीनों पॉइंट पे हमारे प्रिंसिपल एक्सेस आते हैं जब फर्स्ट कंडीशन में लाइट रे पैरेलल आती है तो टकराने के बाद क्या होती है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है जिसको बुलाते हैं फोकस यानी लाइट रे कैसी जाएगी इस कंडीशन में स्ट्रेट जाएगी हमारे सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करके कहा चली जाएगी हमारे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक चली जाएगी किसमें जाएगी हमारे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी ये रहता है फर्स्ट रूल ये हमारा कौन सा रूल है फर्स्ट वाला जब मैं सेकंड की बात करता हूं तो से लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है ये यहाँ से निकलेगी स्ट्रेट यहीं से पास हो जाएगी ये देखो हो गई कि नहीं होगी बिल्कुल हो गई ये भी एक कंडीशन है अब मैं थर्ड रूल की बात करूंगा तो थर्ड रूल की कंडीशन में क्या होगा जब भी रे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो रहेगा यहाँ पे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद जब वो से वो सेंटर सेंटर पे पे लेंस के कांटेक्ट में आएगी वहां से कैसी हो जाएगी? हो जाएगी जाएगी पैरेलल मतलब ये आई आके बिल्कुल कैसे हो गई पैरेलल कंडीशन में चली गई चली गई तो यही है हमारे तीनों रूल्स जो किसमें लगते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में वर्क करते हैं ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई बहुत बढ़िया चलो रूल्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस अब जब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा सबसे पहला पॉइंट मैं कहां पे रखूंगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा इन्फिनेटी पे काफी दूरी पे जब वो काफी दूरी पे रखा होगा तो काफी दूरी पे रखने पर इमेज कहां पे फॉर्मड होगी इमेज कैसी बनेगी ये सब बातें हमें करनी होगी तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन में हम बनाएंगे पूरे लेंस को सारी इमेजेस को लिए, को आपके लिए ट्रेस कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए अच्छा दिक्कत आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा काम चलना ही नहीं चाहिए ना दिक्कत आ रही है तो फिर काम ही नहीं चलना चाहिए तो दिक्कत दिक्कत आनी नहीं चाहिए खत्म कर दो ठीक है अब हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट रखा रखो बहुत दूर इंफिनिटी पे मान लो यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ये खड़ा हुआ है स्माइली फेस लेके ठीक है ये स्माइली फेस हमारा खड़ा हुआ अब ये देख रहा है लाइट रेस जा रही है बिल्कुल जा रही है लाइट रेस जब जाएंगे तो पहली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी अभी अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास हो रही है इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा तो से तो चली जाएगी बिल्कुल चली जाएगी ये हमारी फर्स्ट लाइट रे है जो यहां से पास हो रही है अब सेकेंड लाइट रे कैसे जा, कैसे जाती है पैरेलल जाने वाली फोकस से पास हो जाती है पैरेलल ऐसी जाए ऐसी ऐसी जाए तीनों में कोई चेंज नहीं है वो आपके ऊपर है आप कैसे भेज रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो थो थोड़ा हाइट पे है ना काफी दूर पे है इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से जब उसकी सेकंड लाइट रे आएगी और जब वो हमारे किस पे सेंटर पे टकराएगी तो वो कहां से पास हो जाएगी हमारे ऑलमोस्ट फोकस से पास होगी जो होगा यहां कहीं से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी वो पास हो जाएगी

अभी हमारे हमारे क्या हो रहा है यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये किस जगह पे हुआ है हमारे सेकंड अब इन्फिटी की कंडीशन में अगर इमेज फॉर्मड हुई है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा और वो हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल उल्टा लेकिन काफी छोटा सा तो वो कैसा बनेगा हाईली डिमिनिस्ड बनेगा दोनों कंडीशंस में इसको अब से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलूंगा इसको हम बुलाएंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे जो आपका आएगा इसको आप c2 भी लिख सकते हो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर हम इसको 2f2 भी लिख सकते हैं जिसको हम बुलाएंगे टू टाइम्स ऑफ फोकल डिस्टेंस या टू टाइम्स टू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस क्योंकि दोनों बराबर ही रहता है ठीक है कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पर C1 की कंडीशन आ सकती है या टू टाइम्स ऑफ एफ वन की कंडीशन भी आपके सामने आ सकती है बिल्कुल आ सकती है तो ये दोनों बातें तो आपको समझ में आ गई आगे की नहीं मतलब आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी रियल एंड इनवर्टेड बनेगी और हाईली तो आपको समझ में आ गया

पास वाली कंडीशन में में इमेज फॉर्मेशन के 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 टाइम पे सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना होगा हमारा हमारा लेंस 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 ओके हमने ये बना लिया हमारा convex lens. Convex lens के साथ साथ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन गई के बाद में क्या हो रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या रखी हमारी हमारे ऑब्जेक्ट को रखा अब जब लाइट रे कैसे जाएगी बिल्कुल पैरेलल तो ये किससे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा टिल्टेड है इसको एग्जैक्टली exactly प्रिंसिपल फोकस से कर दो पहला ये सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है स्ट्रेट जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको स्ट्रेट भेजो और ये चली गई और ये यहां पे

बहुत बढ़िया इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है में में अब अब हम 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 बढ़ते हैं हैं क्या होगा अब हम center of curvature पे 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 किस को को रख देंगे हमारे जब हम uh, center of curvature पे object को रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने क्या किया आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये रहा फर्स्ट फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ये रहा, first, ये रहा प्रिंसिपल, सेकंड फोकस और object object size, से बिल्कुल पैरल गई जाने के बाद में अब टकरा के किससे पास हो गई थ्रू आर प्रिंसिपल फोकस पास हो गई yes, थ्रू आर प्रिंसिपल फोकस लाइट रे पास हो गई

ये आपको समझ में आ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो हो हो डायरेक्शन तो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बताएगी कि हाँ कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही ठीक है थेके? ये बात आपको समझ में आ गई बहुत बढ़िया चलो फोर्थ केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को कहा रखा गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम यहाँ पे रखेंगे तब क्या कंडीशन आएगी तब दोनों तीनों कंडीशन पे देखोगे तब क्या फॉर्मेशन होगा चलो इसको भी समझते हैं अब जब मैं वही इमेज फॉर्मेशन करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ स्टडी गई इन टर्म्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों आए

इसकी और एक्सटेंड इसको इधर किया हमारी इमेज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनेगी कहा बनेगी सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बन रही है कि नहीं बन रही बिल्कुल बन रही है यानी हमारे पास में सिचुएशन क्या आ जाएगी कि जब ऑब्जेक्ट कहा रखा जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया तो इमेज का फॉर्मेशन कहा हुआ है बियॉन्ड द सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज कैसी बनी है एन लार्ज इमेज कैसी बन रही है एन लार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी क्या है हमारी इमेज है बिल्कुल ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा क्या है हमारा इमेज है ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बिल्कुल दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा क्या है हमारा इमेज है देखा इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर मैं इसमें एक बात बताऊं आपको तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा लार्जर तो रहती रहती है रियल एंड इनवर्टेड भी है बट ये कहाँ बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे की साइड बन रही है बैक साइड पर बन रही है बात समझ में आई बहुत बढ़िया चलो अब आपने चार केसेस को समझ लिया अब हम समझेंगे हमारे फिफ्थ केस को जब ऑब्जेक्ट किस में होगा देखो कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जाए चलता रहता है और यहीं कदम कदम बढ़ा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे थे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ गए फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कूद गए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कूदेंगे अब फोकस पे कूदेंगे फिर फोकस के आगे कूदेंगे कूदने का हमें मेंढक बना दिया ठीक है अब मेंढक तो बनी गए तो चलो कोई बात नहीं कूद जाते हैं जब हम कूदेंगे तो हम कहाँ पे कूदेंगे बच्चा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे हम कूदेंगे अब कूदने के बाद में इमेज कैसे बनेगी सोचो सबसे पहला वही हमारा रूल हम क्या करेंगे पहले बना लेंगे कॉन्वेक्स लेंस ये बना लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन में अब क्या होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे हमारा

इसको देखो या फिर इसको देखो दोनों को देखोगे तो दोनों आपको थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं है बाकी दोनों के दोनों कैसे जा रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल चल रही है

एक लास्ट बार और कूद जाते हैं और कूदने के बाद बीच में पहुंचेंगे तब क्या होगा तब सिचुएशन और कहानी उल्टी हो जाएगी अब आप कहोगे सर उल्टी कैसे होगी पहले तो इसको देख लो आपको इसमें कहानी समझ आ रही होगी कि मोमबत्ती बड़ी हो गई दिमाग की बत्ती खोल गई मोमबत्ती ने बत्ती बजा दी या जला दी बजाय कैसे यार जलाएगी ना यार चलो कोई बात नहीं हम जलाने वाली कंडीशन पे आते हैं अब जब मैं क्या करूंगा वापस अपना कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा वही हमारा प्रिंसिपल एक्सेस रहेगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस और हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है इन दोनों के बीच में यहां मोमबत्ती मुझसे नहीं बनेगी मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं मोमबत्ती नहीं बना सकता मैं तो एरो ही बनाऊंगा तुम भी बना लेना तुम्हारे काम की चीजें बाकी यहां से जब भी लाइट रे स्ट्रेट पैरेलल जाएंगी तो पैरेलल जाके वो किस से पास हो जाएंगी हमारे प्रिंसिपल फोकस से टेढ़ा चला गया फिर से बेचते हैं सीधा चला गया शाबाश तालियां पता नहीं कैसे पहुंच गया कभी कभी पहुंचता है ठीक है फर्स्ट चीज हो गई अब सेकंड पे आते हैं सेकंड पे आएंगे तो क्या दिखेगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए हाँ सर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया नहीं फिर टेढ़ा है फिर से करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया अब ऑप्टिकल सेंटर से पास होने की, हो की साइड में कैसा होता जा रहा है, फैल रहा है।, है? उसको फाड़ दूंगा इसको गुस्से में बर्डे गिफ्ट मिल रहा है नहीं फाड़ेगा ठीक है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे एनलार्ज हो रही है तो आगे कहीं पे जाके तो मिल रही होंगी तो वो वही वाला पॉइंट हम ढूंढेंगे अब जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा

पहले वाली कंडीशन और इमेज कैसे बन रही है इमेज की बात यह है इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लस इमेज काफी ज्यादा मैग्नीफाइड है और ऑब्जेक्ट के भी कैसे है ऑब्जेक्ट के भी बियॉन्ड है बात समझ में आई ये वाली कंडीशन रहती है और इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ ये याद रखना कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि यही इकलौती कंडीशन है जिसमें इमेज कैसे होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मड होगी बाकी सब में आगे की तरफ ही बन रही है रियल एंड बन रही है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बात समझ में आ गई यहां तक यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसी के साथ बच्चों आज इमेज फॉर्मेशन करके तो मजा आ गया मुझे तो आया तो मैं भी आया ना बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है तो कल मिलूंगा आपसे अब कॉन्वेक्स की कहानी सुना थी अब कहानी किसकी सुननी है कॉनकेव की तो कॉन्केव की कहानी के लिए बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो में नए लेक्चर नए एक्सपेरिमेंट और नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल अराइजर टैलेंट पे और बहुत मजा करेंगे गुड बाय टेक केयर सिया